इंदौर का पंडित गोविंद वल्लभ पंत जिला अस्पताल का स्थापना दिवस 14 जनवरी को मनाया जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग में पदस्थ डॉक्टर भरत वाजपेयी ने की है। अपने निजी धन राशि से इन्होंने कई सारी व्यवस्थाएं की है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जिला अस्पताल का स्थापना दिवस मनाया जाना है, जिसकी पूरी तैयारी पोस्टमार्टम विभाग में पदस्थ डॉक्टर भरत वाजपेयी ने की। पिछले 32 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग को कार्य दे रहे भरत वाजपेयी ने जिला अस्पताल में अपने निजी धन से कई व्यवस्थाएं की है। डॉक्टर भरत वाजपेयी द्वारा जिला अस्पताल में स्वयं के खर्च से एक गार्डन बनाया गया है। इसके अलावा मर्चुरी को भी पक्का बनवा कर व्यवस्थित कराने का कार्य किया है। जिला अस्पताल की मर्चुरी में बनाए गए गार्डन में कमल के फूल और उसके साथ कई रंग बिरंगे खुशबूदार फूल भी लगाए गए हैं। जिला अस्पताल के स्थापना दिवस को लेकर हमारी सहयोगी ऐश्वर्या द्विवेदी ने डॉक्टर भरत वाजपेयी से खास चर्चा की। आइए जानते हैं अस्पताल के स्थापना दिवस और इतिहास को लेकर उनका क्या कहना है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के जिला अस्पताल में, जहां हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर भरत वाजपेयी। यहां पर ये पोस्टमार्टम का काम देखते हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत जो ये अस्पताल है, इसके स्थापना दिवस के बारे में, इसका स्थापना दिवस होने जा रहा है, उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। तो आज इनसे हम डॉक्टर से आज हम जानते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं। डॉक्टर भरत वाजपेयी, जो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, किस तरीके से हो रही है, इसका स्थापना दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को। ये वर्तमान में जो अस्पताल है, ये पूर्व में दूध डेयरी हुआ करता था। कालांतर में ये दूध डेयरी वहाँ शिफ्ट हो गई मांगलिया। तो मांगलिया शिफ्ट हो गई तो ये बिल्डिंग जो है वो लगभग खाली हो गई थी जी। और तो यहाँ के वो जनप्रतिनिधि थे माननीय श्री सत्यनारायण जी सत्तन जी। तो उन्होंने लगातार 9 दिन का अनशन किया था और एक इस पश्चिमी क्षेत्र में कोई अस्पताल जैसी कोई सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने लगातार अनशन किया था। भूख हड़ताल, उनका वजन भी काफ़ी कम हो गया था, तो तब उनके अनशन से सहमत होकर वो अनशन सफल भी रहा। तो ये दूध डेयरी की बिल्डिंग को उन्होंने जिला अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया, लोकार्पण कर दिया। तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर, माननीय शंकर दयाल जी शर्मा यहीं आए थे, अपने ग्राउंड पे आए थे अस्पताल। यहाँ उन्होंने विधिवत घोषणा करी थी, तब से ये जिला अस्पताल के रूप में काम करने लगा। उस वक्त ये 100 बिस्तरों का अस्पताल था और मिनिमम सब सेवाएं, डिलीवरी, इमरजेंसी, सब सेवाएं मिलती थी, लोगों को आरोग्य मिलता था। काफ़ी घनी बस्ती है, अशिक्षित बस्ती है, गरीब बस्ती है, तो उनके लिए एक प्रकार का पश्चिमी क्षेत्र का MI भी कह सकते हैं आप जी। और इसमें फॉरेंसिक सेवाएं उस समय नहीं थी। कालांतर में वो 2006 में नवंबर 2006 से तत्कालीन कमिश्नर थे AK दास जी, उन्होंने फॉरेंसिक सेवाओं का में विभाजन करते हुए हमको 15 थाने हमको सौंपे कि इसकी मेडिको लीगल मामलों में ऑटोप्सी यही होगी। तो 6 नवंबर 2006 से ये विभाग जो है वो कार्यरत है और आज भी सेवाएं दे रहा है। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत है इस अस्पताल का नाम, ठीक है ना। अब फिर वो थोड़ा बिल्डिंग पुरानी हो गई थी तो ये इसका नवीनीकरण हो रहा है। अभी ये 300 बिस्तरों के अस्पताल में, आधुनिक अस्पताल में, या CT MRI लिफ्ट वगैरह सब रहेगी, आधुनिकतम अस्पताल के रूप में जो है वो रूपांतरित हो रहा है। तो अभी बिल्डिंग निर्माणाधीन है, कोरोना की वजह से ना बिल्डिंग पूरी हो पाई, ना हम लोग भी स्थापना दिवस मना पाए। पिछले अतीत में हर वर्ष 14 जनवरी को स्थापना दिवस, इस बार चूंकि विश्व में शांति है तो इस बार जो है हमारे आंगन में खुशियां आना चाह रही हैं, तो वो सिलसिला जो भंग पड़ा हुआ था वो अब पुनर्जीवित हो रहा है। तो इस साल से वापस से ही हम हैप्पी डेज आर हियर अगेन, पूर्ववत खुशियां जारी रखेंगे जी। ये जो 14 जनवरी को जो ये आप ये स्थापना दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं, उसकी क्या क्या तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं? कुछ तैयारियां नहीं रहती हैं, सब हम लोग वो सरल ढंग से बनाते हैं। एक प्रकार से ये हमारी संस्था है, ये हमारे परिवार, हम लोग पीढ़ी तो क्रंदित मानना होता कि सामूहिक रूप से परिवार के रूप में सेवा करते हैं। यह डिलीवरी होती है, इमरजेंसी सेवाएं दी जाती हैं, OPD वगैरह सब रहती है और पोस्टमार्टम का कार्य भी हो गया। तो हम पूरा परिवार जब अस्पताल आरम्भ होगा उस दिन, तो सुबह 9 बजे से जो है वो
चाय वगैरह, नाश्ता, भोजन और कुछ खाली समय में कुछ साउंड सिस्टम रहेगा, गीत संगीत, तो ऐसा 4 बजे तक जो है वो हिल मिल के अपना जो है वो ड्यूटी भी करेंगे और ये सब भी खुशियां भी सेलिब्रेट करेंगे। शाम को एक बौद्धिक चर्चा है शाम 6 बजे से, वो ये टॉपिक उसका कि अपराध मुक्त अभय समाज के निर्माण में चिकित्सक, मीडिया, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, इनकी भूमिका, योगदान और चुनौतियां इस विषय पे। तो इसमें एशिया के सबसे महान फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्य किशोर सतपति और दूसरे प्रोफेसर आर के सिंह साहब हैं, वो भी मूर्धन्य हस्ती हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। फिर MY अस्पताल के जो वर्तमान अधीक्षक हैं वो मेडिकल कॉलेज की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के HOD भी हैं, डॉक्टर प्रेमेन सिंह ठाकुर, तो वो भी शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ जनप्रतिनिधि के रूप में सत्यनारायण जी सत्ता ने राष्ट्रीय कवि मानस मर्मज्ञ, वो भी आ रहे हैं और अध्यक्षता इसकी करेंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस माननीय श्री VD ज्ञानी साहब, वो करेंगे और सत्यन जी भी रहेंगे और जोशी जी हैं पत्रकार, वो मीडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। MY अस्पताल के जो वर्तमान अधीक्षक हैं वो मेडिकल कॉलेज की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के HOD भी हैं, डॉक्टर प्रेमेन सिंह ठाकुर, तो वो भी शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ जनप्रतिनिधि के रूप में सत्यनारायण जी सत्ता ने राष्ट्रीय कवि मानस मर्मज्ञ, वो भी आ रहे हैं और अध्यक्षता इसकी करेंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस माननीय श्री VD ज्ञानी साहब, वो करेंगे और सत्यन जी भी रहेंगे और जोशी जी हैं पत्रकार, वो मीडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और विशेष आमंत्रित अतिथि में कमिश्नर पुलिस इंदौर, वो श्री हरि नारायण चारी मिश्रा जी, इंदौर के पहले कमिश्नर CP, तो वो रहेंगे। तो एक अच्छा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन है फॉरेंसिक विषय पे, लोगों का संदेह दूर करने के लिए, जागृत करने के लिए एक रोमांचक प्रदर्शनी जो है वो भी फॉरेंसिक विषय पे रखी गई है, वो भी 6 बजे से आरंभ हो जाएगी। उससे लोग शिक्षित होंगे और जो भय रहता है और उससे वो सावधान भी रहेंगे, कुछ उनको ज्ञान की बातें भी मिलेंगी, से भी अवगत होंगे, तो एक प्रकार का एक वातावरण बनेगा, फॉरेंसिक का जो डर है वो खौफ दूर होएगा ना। मतलब ये देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार ये आपने यहाँ पर अपने निजी खुद से आपने एक गार्डन तैयार किया है यहाँ पर, तो उसका थीम आपको कैसे आया, कैसा पता चला आपको? पहले यहाँ कुआं होता था, कुएं में अस्पताल का जो कचरा है, कॉपर टी, ओरल पिल, कैल्शियम, आयरन, वो सब गोल दवाएं डंप की जाती, टेंचिंग ग्राउंड जैसा था वो, तो कुआं तो ठीक था ना। फिर वो धीरे 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 ये पूरा डिपार्टमेंट ही टेंचिंग ग्राउंड हो गया। वो 108 के कंकाल जो है वो पिछले 4 साल से हमारे देखे होंगे ना आपने, वो 108 के 8 कंकाल 7 कंकाल, वो तो दवाइयों भी टेंचिंग ग्राउंड था। तो ये सूरत हाल हमको बदलने का, हम किसान के बेटे तो हमको थोड़ा सा हरियाली खुशहाली से ज़्यादा लगा हुआ, तो वो एक टब का निर्माण कराया, उसमें पानी भर के कमल के वो सब कमल की वनस्पति उगाई, परिसर थोड़ा साफ़ सुथरा किया और आजकल चल पड़ा है कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर है फव्वारे की गुंजाइश हो तो फव्वारे से, और सौंदर्यीकरण कई गुने बढ़ गया। तो ये इसलिए कि जो परिजन लोग आते हैं, पीड़ित गंदित मानवता से डेड बॉडी के साथ जो परिजन आते हैं, उनका दुख दर्द कुछ कम हो इस भावना से, उनको अब जो चला गया उसको तो वापस लाना से, उनको अब जो चला गया उसको तो वापस ला नहीं सकते ना, वो जो भी यहाँ एक घंटे सवा घंटे जब तक PM हो रहा है, बॉडी सिल रही है, बॉडी पैक होके जा रही है, तब तक एक सवा घंटे वो भी अगर उनको कुछ थोड़ा सा भी राहत मिले, कुछ अच्छा देखने प्राकृतिक देख, मतलब इसमें नकली कुछ भी नहीं, सब प्राकृतिक है, तो वो एक दर्द उनका कुछ कम हो, तो यही हमारी सफलता है मतलब, और यही हमारा सुकून है मतलब।
आगे की, जैसे आपने अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में अपने निजी पैसों से इतना कुछ किया है, आगे आप और क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे आगे? कोई पराक्रम नहीं है इसमें, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हमारी घर से हम अच्छे हैं, नीयत हमारी अच्छी है और तेरा तुझको अर्पण, हम लोगों को आकर्षक तनख्वाह मिलती है और दूसरी प्रकार की राशि हमको मालूम नहीं, वो हम जानते भी नहीं, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। जो बॉडी बताती है वही उस बॉडी का सच टाकिए के रूप में हम कोर्ट में जमा पेश कर देते, कोई कभी सच का वायदा व्यापार या काज ऑफ डेथ का सौदा नहीं किया हमने। तो मैं अपने घर की दरो दीवार लाल कर लेता, घर ज़मीर की चिड़िया हलाल कर लेता। तो ये सेवा है ना, ये एक प्रकार की, उसी में अनवरत सेवाएं चल रही। 16 साल से मैं छुट्टी नहीं लिया, एक बार हादसा हो गया था मेडिकल एपिसोड तो एक महीना मजबूरी में पलंग पे रहना पड़ा। अदरवाइज ये अगर इसको अपवाद मान लें अपन, क्योंकि जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे, तो अपवाद स्वरूप मेडिकल लेना ही पड़ा ना छुट्टी। उसके बाद वो सब रिफंड कर दिया, पावर और जो भी कमियां थी वो ठीक हो, अपन उसी अंदाज में आज भी कोरोना 1 कोरोना 2 बैक्टीरिया वायरस के ढेर पे बैठ के हम ड्यूटी करता है ना। जैसे आपने कहा कि आपने छुट्टी नहीं ली, उसके लिए आपको एक अवार्ड भी मिला है, तो उस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए आप। अवार्ड 2011 में लिम्का बुक में, 2014 में लिम्का बुक में वो उपलब्धियाँ दर्ज हैं। मतलब ये ट्रॉफी है, ये माननीय सीएम शिवराज सिंह जी दिया, ये ट्रॉफी है ये, और जनता और जन प्रशासन वगैरह ने भी जो है कई बार सर्टिफिकेट से नवाजा। मतलब लेकिन ये सब मैंने कोई पुरस्कार प्रतिफल ट्रॉफी इसके लिए नहीं किया, मैं तो एक तरफ ही जो है वो अपना सिर झुका के अपना सेवा चैनल वही उसका ही प्रसारण किया। मैंने कोई पुरस्कार या प्राप्ति या रिटर्न के लिए नहीं किया, मैं रिटर्न के लिए कमजोर लोग करते हैं। मतलब एक पिताजी हमारे 6 घंटे पूजा करते थे, वो सौंफ भी नहीं खाते थे, परम सात्विक थे वो, तो कुछ उनके ही संस्कार वो फिर या हलाल कर लेता। तो ये सेवा है ना, ये एक प्रकार की, उसी में अनवरत सेवाएं चल रही। 16 साल से मैं छुट्टी नहीं लिया, एक बार हादसा हो गया था मेडिकल एपिसोड तो एक महीना मजबूरी में पलंग पे रहना पड़ा। अदरवाइज ये अगर इसको अपवाद मान लें अपन, क्योंकि जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे, तो अपवाद स्वरूप मेडिकल लेना ही पड़ा ना छुट्टी। उसके बाद वो सब रिफंड कर दिया, पावर और जो भी कमियां थी वो ठीक हो, अपन उसी अंदाज में आज भी कोरोना 1 कोरोना 2 बैक्टीरिया वायरस के ढेर पे बैठ के हम ड्यूटी करता है ना। जैसे आपने कहा कि आपने छुट्टी नहीं ली, उसके लिए आपको एक अवार्ड भी मिला है, तो उस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए आप। अवार्ड 2011 में लिम्का बुक में, 2014 में लिम्का बुक में वो उपलब्धियां दर्ज हैं। मतलब ये ट्रॉफी है, ये माननीय सीएम शिवराज सिंह जी दिया, ये ट्रॉफी है ये, और जनता और जन प्रशासन वगैरह ने भी जो है कई बार सर्टिफिकेट से नवाजा। मतलब लेकिन ये सब मैंने कोई पुरस्कार प्रतिफल ट्रॉफी इसके लिए नहीं किया, मैं तो एक तरफ ही जो है वो अपना सिर झुका के अपना सेवा चैनल वही उसका ही प्रसारण किया। मैंने कोई पुरस्कार या प्राप्ति या रिटर्न के लिए नहीं किया, मैं रिटर्न के लिए कमजोर लोग करते हैं। मतलब एक पिताजी हमारे 6 घंटे पूजा करते थे, वो सौंफ भी नहीं खाते थे, परम सात्विक थे वो, तो कुछ उनके ही संस्कार वो फिर अपनी हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, ये फ़र्ज अदा मेरे सिवा कौन करेगा। मकतबे इश्क का आदाब निराला है बहुत, मकतबे इश्क का आदाब निराला है बहुत, उसको छुट्टी ना मिली जिसको ये सबक याद हुआ। तो और अब अपने कर्तव्य को ईमानदारी लगन मेहनत से करते हैं ना, कर्तव्य के केंद्र में चूंकि मुर्दे हैं तो कर्तव्य से प्यार है हमें, तो मुर्दों से भी प्यार है। तो आप कहने दो मुझको कि आई लव द डेड, वो हमारे वैलेंटाइन है। मतलब वो हमारे भगवान ने, वो हमारे वैलेंटाइन है। तो ये देखिए, मुझे मुर्दों से भी मोहब्बत है, ठीक है ना। तो ये देखिए, आपने एक सकारात्मक सोच, हर व्यक्ति की जो इस
प्रोफेशन में है या किसी भी प्रोफेशन में है, कोई भी व्यक्ति अगर उसकी ऐसी एक सकारात्मक सोच हो तो दुनिया का या पूरे विश्व का नक्शा ही बदल सकता है और सारे काम अच्छे हो सकते हैं, सब खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मैं ऐश्वर्या द्विवेदी कैमरामैन टोनी के साथ, धन्यवाद।